ये देखो जी, हमारा खाना आ गया है। ये रही चपाती और ये है आलू चने की सब्जी। आई होता कुछ हो गए। देखो कितना काम करती है वंदना यार। इसने तो आज ये जो मिस्की क्या बोलते हैं, मिक्सी क्या बोलते हैं, मिक्सी कितनी गंदी थी यार। बाई गॉड, और किसने की थी? उसका ये नाम किसने की थी? ये वंदना ने की थी, मैंने क्योंकि की थी। ग्राइंड यही करती है, बिना ग्राइंड ये खाती नहीं है ये। आप भी टमाटर कभी कुछ कभी कुछ। देखो इसके पैर से लेकर के इसके सारे के सारे जिस्म तक क्या क्या गंदी गंदी। यार एक बात बताओ, वंदना काम बहुत करती है तो भाई। करना पड़ता है ना। देखो अभी इसके बाद अभी एडिटिंग का काम करने जाऊंगी, तभी मैं आज जल्दी कर रही हूँ, फिर मैं लेट हो जाती हूँ ना, फिर और मेरे को चीखती भी बहुत ज्यादा है, जोर से आप चीखना तो पड़ता है ना फिर। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है कि चुनाव का माहौल चला हुआ है, सिर्फ आज का दिन तो चले ही गया है, एक कल का दिन है और परसों 12 तारीख को मतदान है। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि यार वोट देने सभी जाएं और वोट हर बंदा करे। वोट करना हमारा अधिकार है और हमें अच्छी सरकार चुन के लानी है, ठीक है? आजकल आपको पता है कि यार हर बंदा पढ़ा लिखा है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार काम नहीं कर पाएगी। चलो वंदना से पूछते हैं। भाई आप सभी जानते हैं, सभी पढ़े लिखे हैं और इतने समझदार तो सब हैं ही कि सबको पता है कि कौन सी सरकार प्रदेश की देश की उन्नति करने वाली है। तो ऐसी सरकार को आप जरूर चुने और हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि सभी मतदान करने जरूर जाएं, अपना वोट जरूर दें, तभी हम सही डिसीजन ले पाएंगे। जो हम चाहते हैं वो हम कर दिखाएंगे। और बाकी तो मुद्दे आप सभी को पता ही हैं। सभी सरकारों ने अपना अपना बताया कि वो ये करेंगे, सत्ता में आने के बाद वो करेंगे। वर्तमान जो अभी सरकार थी उसके बारे में भी आप जानते हैं कि उन्होंने उन्नति के लिए क्या कुछ किया है। हमारे जयराम जी मुख्यमंत्री थे तो क्या क्या प्रदेश में हुआ है आप सभी जानते ही हैं। साथ ही सेंटर में पीएम मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में अभी कार्य कर ही रहे हैं। तो ये सभी मतलब आप खुद जानते हैं। आज का जो टाइम है तो यहाँ पर किसी को भी गुमराह नहीं किया जा सकता। आप सभी जानते हैं कि आपको क्या करना है, कौन सी सरकार आपको चुन करके लेकर के आनी है। अब देखिए जो बीजेपी भाजपा पार्टी है तो उन्होंने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है कि जयराम जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सत्ता में आते हैं तो। बाकी जो दूसरी पार्टी है बताइए आप भी थोड़ा और सा। दूसरी पार्टी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली पता क्या होता है, एक सीएम कैंडिडेट अगर पहले घोषित किया जाता है ना, तो बंदों को जो हम जैसे मैं हूं, मुझे पता है कि यार जयराम जी को सीएम है, अगले चेहरे वो है, ठीक है? अब अगर मुझे एक वोट देना होगा तो मैं सोचूंगा कि उन्होंने अच्छे काम किए नहीं किए, वो मेरे ऊपर डिपेंड है, ठीक? लेकिन मुझे पता तो है ही कि आप अगर वोट कि देंगे। मुझे पता है कि यार भाजपा जीतेगी तो ये सीएम होंगे, लेकिन जो अदर पार्टीज है उनका सीएम चेहरा अभी घोषित डिक्लेयर नहीं। नहीं किया गया है। तो अगर कल को दूसरी पार्टी जीतती है तो मुझे नहीं पता होगा कि यार कौन सीएम होगा, कैसा बंदा होगा, आगे कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कि यार जीतने के बाद में काफी बीच में पार्टियों में पार्टियों भी होते लड़ाई, में यार सीएम कौन बनेगा, तो करते करते काफी टाइम निकल जाता है। एक मैं आपको भी चीज, और जो हमें पता है कि यार ये पार्टी के जो सीएम कैंडिडेट है वो डिक्लेयर है कि जीतेंगे तो ये अगले सीएम होंगे, तो ये पता होता है। और आपको पता है कि यार आप खुद समझदार हो कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या करना है, वो हमें मतलब हम ज्यादा बोलने नहीं चाहते हैं, फिर आप समझदार हो। फिर यहाँ पे मुद्दा फिर और गर्म हो जाता है क्योंकि चुनावी माहौल है तो मुद्दे तो गर्म होते ही हैं। और सबका जैसे अपना अपना काम होता है तो वैसे ही हमारा भी अपना काम है। जैसे कि आपने कल मेरे वीडियो में भी थोड़ा सा सुना ही होगा, जब मैं मार्केट गई थी तो मार्केट में भी सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपना मतदान जरूर दीजिए, वोट जरूर दीजिए। तो ये चीजें हैं। अब मैं भी भाई देखिए हमारी भी इतनी बड़ी फैमिली है तो मेरा भी फर्ज बनता है अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करने का कि वोट देने जरूर जाइएगा। आपका अपना हक है, आपका अपना डिसीजन है कि कौन सी पार्टी आपको सत्ता में चाहिए, किसका काम अच्छा है किसका नहीं है। तो ये सब आप क्योंकि सभी समझदार हैं और मतदान जरूर और कीजिएगा, जरूर करना है, जब भी अच्छी सरकार, जितना ज्यादा मतदान होगा ना तभी तो सही तभी तो डिसीजन होगा। तभी डिसीजन अच्छा होगा कि यार कौन सी सरकार अच्छा काम करेगी नहीं करेगी। वोट जरूर देना। खुद भी वोट दीजिए और जो आपके आसपास हैं उनको भी आप
बताइए कि वोट जरूर दीजिए। अगर कोई है ना ऐसा कि भाई नहीं आज नहीं भाई मैंने मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है नहीं जाना है, तो आप जबरदस्ती लेकर के जाना। और ऐसे बुजुर्ग लोग या कोई जो नहीं जा पा रहे हैं तो उनको भी आप थोड़ी सी मदद कीजिएगा, तो नियर बाई सेंटर में फिर वोट जरूर कीजिएगा। तो ये अपील हम आपसे कर रहे हैं और बस फिर वोट आप दोगे, सरकार आपकी आपकी चॉइस से आएगी, तो ऐसा ऐसा है। और आज है गुरुवार, आप सभी को हैप्पी गुरुवार, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि दोनों पीले पीले बन के बैठे हैं भी चलिए हंसी मजाक अपना होता रहना चाहिए, क्योंकि जो बेचारे साइलेंट रहते हैं ना वो बोलते रह जाते हैं, कोई नहीं सुनता कोई नहीं सुनता, पूरा दिन बीत जाता है ना, ये कर दो वो कर दो, कोई कुछ नहीं करता भाई। अच्छा चीखेंगे तो जल्दी काम करते हैं, वो मेरा तो चीखना भी बेकार ही है, कुछ नहीं करते तब भी। क्या बात है, इनकी मानती है, इनकी मानती है, चीखती है। और ये देखो तभी उसका ये नतीजा कि अब जाकर के बेचारी मिक्सी का इतना बुरा हाल है, मेरे को देख के इसको इतना बुरा लग रहा था कि बेचारी इतनी बदसूरत बना दी थी, इतनी खूबसूरत थी ये जब खरीदी थी। चलो कुछ नहीं है, बन गई ना दोबारा से, क्या शाइनिंग कर रही है, क्या बात है यार मैडम, क्या बात है। एक बात का ध्यान अवश्य रखे, अब आप जब भी इसके ऊपर कुछ गिरे तो उसको जरूर देख लो। ओके 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 मैडम, ओके ओके ओके, डेफिनेटली मैडम डेफिनेटली, अच्छे से घुमा घुमा करके इसको चमका रही हूँ। ओके 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 ओके, पक्का 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 पक्का। आज है मेरा गुरुवार का फास्ट और इसमें ना मीठा ही भोजन खाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी इसलिए मुझे और कुछ तो नहीं सूझा, काफ़ी टाइम लगना था हर एक चीज़ में, और अभी मैंने कथा भी नहीं पढ़ी थी, तो फटाफट से मैंने क्या किया कि दो मीठे परांठे ही बना दिए, साथ में ये साबूदाना था थोड़ा सा, तो मैं क्या इसकी खीर बना देती हूँ, और बच्चों को भी बहुत पसंद है तो सब हम खा लेंगे, तो ये बन गई खीर, इसमें भी ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। और ये मेरा खाना तैयार हो गया, दो मैंने परांठे बनाए चीनी वाले ही, साथ में ये साबूदाने की खीर है, और ये दही है इसमें भी मैंने थोड़ा सा मीठा डाल दिया, और बाकी चीज़ें मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं की थी, आज बहुत लेट हो गई थी। इसके बाद मॉर्निंग में यहाँ पर बन रहे हैं जी काले चने, रात को ही भीगने के लिए डाल दिए थे, और मैक्सिमम टाइम फ्राइडे को काले आलू चने ही हमारे घर में बनते हैं, तो बस सुबह फिर बॉईल करके, क्योंकि सुबह भी लेट हो रहे होते हैं, बच्चों को रेडी करना, खाना भी बनाना, खैर ये सब्जी में तड़का लगा देते हैं, तो ये काट करके सौंफ डाली, और सौंफ का टेस्ट ना बड़ा अच्छा आता है, शायद मैं कल भी आपको बोल रही थी जब साग बनाया था, तो फिर थोड़ी सी सौंफ डाली इसमें, और बाकी ये आलू ये भी बॉईल करने के लिए डाले थे, हल्के हल्के से दबा दिए, मैश कर दिए ताकि अच्छा गाढ़ी जैसी ग्रेवी बन जाए, और बाकी चने फिर पहले चने चने इसमें ऐड कर देंगे, और बाकी जो पानी बच जाएगा ना तो वो भी बाद में डालेंगे, लेकिन बच्चों को टिफ़िन देना होता है ना, तो उसके लिए पहले इसी तरह से सूखी सूखी बनाते हैं, फिर बाद में तो हल्का सा पानी डाल देते हैं। चपाती के साथ भी रसीली सी सब्ज़ी अच्छी लगती है। ये देखो जी हमारा खाना आ गया है, ये रही चपाती और ये है आलू चने की सब्जी, आई होता कुछ तो और ये देखिए मैंने कहा यार गर्मी थोड़ी हो गई है अच्छा गर्मी हो गई है कि ठंड हो गई है, ठंड हो गई है, सुबह आमले का जूस पीते ऐसा है बोलो, पेट में गर्मी हो गई है और मौसम में सर्दी, हाँ तो दही लेके आया हूँ, ये दही ना सबसे बेस्ट है ये। ठीक है ठीक है, ये लो ये चम्मच है ना, तो यहाँ पे यार यहाँ तो रेट 45 रुपए लिखा हुआ है, सिर्फ और 50 रुपए यहाँ के लिए, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग होंगे, आप खाने पे ध्यान दीजिए। ये देखो शुद्ध दही, शुद्ध दही अपने घर का होता है वो यार। और एक बात और, हाँ दही जिन्होंने उपाड़े होते हैं ना गाय पशु उनके मजे होते हैं, पर मेहनत भी उतनी लगती है, फुल लेनी है निकाल दे इसको साइड में, बस काट ही लो था अब ये ले चम्मच, बस एक ही चम्मच काफी है, ओ खा ले ओ यार इतने दूर से दही लेके आया हूँ मैं, बाजार बड़े दूर है और भी थोड़ा सा नहीं नहीं मुझे ऐसे प्लेन खाना अच्छा, अच्छा आप पूछो तो ले लो यार, सो तो प्लेन लगा बढ़िया है, ये लो रोटी। बोलिए। एक्चुअली रात को 2 बजे फोन आया, वो तो मैंने सुबह देखा कि फोन, फिर मैंने लता का फोन, शिल्पा का फोन आया, फिर मैंने 6 बजे देखा, मैंने 6 बजे उठता हूँ मैं, मैंने फोन कर दिया, मैंने यार लता यार इतनी रात को 2 बजे क्या हुआ,
बोले मुबारका हो। मैंने किस बात की मुबारका हो, नंदनी नंदनी की डिलीवरी थी, डिलीवरी होगी नंदनी की, एक्चुअली गाय थी ना उसकी डिलीवरी होगी, फिर वो बच्चा पैदा हो गया, मतलब कि जिसे होती है ना गाय और छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं वंदना बताएगी, बछड़ा हो जाता है, बछड़ी हो गई, बछड़ी हो गई, शायद बछड़ी बोलते होंगे, अच्छा मतलब गैया आई छोटी। हाँ तो यार मैंने कहा मुझे भी, मुझे रात को भाई फोन करने का क्या मतलब है, उसको हम ले आते हैं तो छोटी गाय को, अरे खुद तो पढ़ ले पहले यार, इतना घास है वो देखो, इतना पूरा जंगल बना पड़ा है हमारे, वो एक दिन के लिए वो पूरा जंगल है इधर को, एक दिन को नहीं फाट हफ्ते के लिए ले लिया, हफ्ते के लिए इतना आता हूँ तो ये गा नहीं खत्म, गा खत्म हो जाएगा तो वापस कर देंगे उन्हें, ले 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 जा मेरा गोट गोट रख लो, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, तो हाँ करनी चाहिए गौ माता की सेवा। आजकल सर्दियों में ना दिन काफ़ी छोटे होते हैं, तो काम करते करते कब दिन निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। बच्चे आए उनके लिए चने की सब्जी छोड़ी हुई थी, मैं क्या जब आएंगे तो गर्मा गर्म चपाती बनाऊंगी, पर बोले कि नहीं हमें नहीं खानी है ये, तो फिर पत्ता गोभी बनाई, ये उनकी बहुत फेवरेट ये है। ये देखो अंधेरा हो चुका है, मैं अभी मार्केट गया हुआ था, तो मार्केट से आया मैं, और मार्केट से मैं ये देखो सेब और मौसमी लेके आया हूँ, और साथ में सुबह के लिए ब्रेड। सानू ने फोन कर दिया था मुझे कि पापा ब्रेड जरूर लेके आना। ये देखिए ये है ब्रेड, ब्राउन ब्रेड है ये, और उसके बाद ये वाले सेब है ना, ये काफी अच्छे हैं, रस वाले हैं, मतलब कि ये देखो उनमें ना रस काफी ज्यादा और काफी मीठे हैं, और ये शान व्यूअर मिट्टू के लिए मौसमी लेके आया हूँ, इसका जूस बनाते हैं, जो मैंने जूस लिया हुआ है, तो अब इनको यहीं अंदर रख देते हैं और जरा देखते हैं इधर से आके कि वंदना क्या कर रही है, उसने खाना बनाया कि नहीं बनाया है, ये सब्जी बना बनाने की तो मेरी टर्न होती है, मैं ही बनाता हूँ, तो देख लेते हैं। ओ माय गॉड ये क्या कर रही है, कर रही थी ना। हाँ हाँ। फिर ये पेज थोड़ा, मैंने आपको बोला था कि ये पेज ढीले हो गए हैं इनको। ओ भाई निकाल मत दियो सारे, ठहर जा मैं अपने आप करूँ, तेरे बस की बात नहीं, रहने दे उसको। कर दिया मैंने, यही था एक ही पेज ना, कर दिया मैंने, आपका वेट करें तब तो हो गया। अरे बाजार नहीं गया था, बाजार तो गए थे पर बाजार की बात नहीं है। हाँ। आपको कोई काम बोल देना, आज बोला इनको कोई काम तो उसका पता नहीं है वो कब। पर ये है कि आज ना एक मुझे बात अच्छी लगी, आज बाजार में ना माहौल काफी शांत है। अच्छा। क्योंकि प्रचार हो गया है बंद, वरना ऐसे तो भैया हर पार्टी अपना प्रचार कर रही है, और आज शांत माहौल है, आराम से कोई इतनी बातचीत नहीं कर रहे कि हाँ भाई कल किसको वोट देना, चुपचाप बंदे अपने अपने वहां ग्रुपों में खड़े हैं कि हाँ भाई कल क्या है, सुबह वोट करना है, तो चल। अच्छा अच्छा हो गया साफ, चमका दिया हुआ यार तूने तो मोटी, ठीक है तो ठीक। और यो यार इसने तो चमका दिया किचन, क्या बात है, चमा चम कर दिया। और क्या आप पूरा दिन भर गंद डालते रहते हो, कोई भी बंदा एक गिलास जहाँ पानी पिएगा वहीं पे फेंकेगा, खाना खाएगा प्लेट वहीं पे, सारे के सारे। फिर अभी धूप की वाली साइड से भी हर रूम में कुछ ना कुछ था, हर रूम में। ठीक है ठीक है, तो अभी बस आज मैंने खाना खाने और बनाने से पहले किचन को ही चमका दिया, फिर हम लेट हो जाते हैं ना, ठंड लगती है आजकल, सर्दियां हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इसी के साथ ही आज के ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नमस्कार।